हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनजे एजुकेटरी में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्टेयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल, जो कि HEMM ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें दोस्तों। इसमें पहले में दिया गया है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है ना दोस्तों। उसमें फंक्शन ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच और ETC है। तो ETC में कोई भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए हम अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है दोस्तों, जिसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा स्टेयरिंग का भाग है। ए स्टेयरिंग व्हील, बी स्टेयरिंग कॉलम, सी स्टेयरिंग शाफ्ट या डी स्टेयरिंग डी ये सभी। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो बी स्टेयरिंग कॉलम भी है, ए स्टेयरिंग व्हील भी है, शाफ्ट भी है, तो इनमें डी ए सभी होगा। ठीक दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड में दिया है स्टेयरिंग रिडक्शन सिस्टम की गति अनुपात होती है 10:1 का या 10:1 से 22:1 तक दोस्तों, या 11:23:1 तक। सी दिया है 12:1 से 24:1 तक, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका होगा दोस्तों ए 10:1 से 22:1 तक। ठीक दोस्तों, अब अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें दिया है किसकी गति से पहिए घूमते हैं। ए रैक, बी पिनियन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो किसकी गति से होगा दोस्तों? सी दोनों, रैक और पिनियन की गति से पहिए घूमते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर। केम्बर का मान डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री या 2 डिग्री। तो केम्बर का मान कितना होना चाहिए दोस्तों? तो डी 2 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जिसमें दिया है यदि किंग पिन का झुकाव पीछे तरफ हो तो कैस्टर का मान होता है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कास्टेट या डी सभी। तो क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका ए धनात्मक होगा। ठीक, गाड़ी मोड़ते समय पहिए डॉट डॉट रहते हैं, टो इन टो आउट समान या ई या सभी। तो क्या होगा दोस्तों? गाड़ी मोड़ते समय पहिए टो आउट रहेगा। ठीक, टो आउट में कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों, ऐसे, और ठीक ना, टो आउट में जो पहिए हैं कुछ इस प्रकार से रहेंगे और टो इन में इस प्रकार से पहिए होंगे, इस प्रकार से। ये हो गया आपका टो इन और ये हो गया आपका टो आउट, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, जिसमें कहा गया है गाड़ी मोड़ने के बाद उसे दिशी स्थिरता प्रदान करता है। गाड़ी मोड़ने के बाद उसे दिशी स्थिरता प्रदान करता है ए कैम्बर, बी कैस्टर, सी किंग पिन या डी ए सभी। तो क्या होगा दोस्तों? ए सभी होगा। ठीक, अब अगला देखेंगे मोटर गाड़ी का अगला एक पहिया स्टेयरिंग व्हील द्वारा मुड़ता है, जबकि दूसरा पहिया किसके द्वारा मुड़ेगा? ए कनेक्टिंग आर्म द्वारा, बी ड्रैग लिंक द्वारा, सी टाई रोड द्वारा या डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो किसके द्वारा मुड़ेगा दोस्तों? तो ये टाई रोड के द्वारा मुड़ेगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्टेयरिंग का प्रकार कौन सा है? वर्म एंड सेक्टर, वर्म एंड व्हील, रैक एंड पिनियन या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें डी सभी होगा।
दसवां क्वेश्चन रहा दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रैक एंड पिनियन का उपयोग करते हैं। पहला, वृत्ति गति को रेखी गति में बदलने के लिए, बी रेखी गति को वृत्ति गति में बदलने के लिए, या सी वृत्ति गति को दोलन गति में बदलने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों, ए वृत्ति गति को रेखी गति में बदलने के लिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि धनात्मक कैम्बर एंगल होने से अगला पहिया कैसा दिखता है। ठीक ना, ए आगे से बाहर की ओर, बी नीचे से बाहर की ओर, सी बिल्कुल सीधे, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो कैसे होगा, ए आगे से बाहर की ओर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक एंड पिनियन में होता है। ए रिले रोड, बी पिटमैन रोड, सी लेआउट, या डी स्पोक रोड। तो कौन सा होगा दोस्तों, आपका डी स्पोक रोड में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहा है कि फ्रंट एक्सल निम्न में से किसका बना होता है। 0.6 निकिल से, 0.8% कॉपर से, या 0.4% कार्बन तथा 1.3% निकिल से, या डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो किससे होगा दोस्तों, सी आपका 0.4 कार्बन तथा 1.3% निकिल से फ्रंट एक्सल का बना होता है। ठीक, अब 14 नंबर देखेंगे, जिसमें कहा है स्टेयरिंग एडिकेट किसे कहते हैं। स्टेयरिंग एडिकेट किसे कहते हैं। ठीक, तो इसमें दिया ए स्टेयरिंग के चक्के के चैन से जुड़ा रहना स्टेयरिंग लीकेज कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ये एडिकेट जो है इसके जगह पे लीकेज है। ठीक दोस्तों, इसके जगह पे आपका लीकेज होगा। ठीक, लीकेज गलती से एडिकेट की जगह लीकेज है वो। ठीक ना, यहाँ पे गलती है इसका, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टेयरिंग लीकेज किसे कहते हैं होगा। ठीक, जिसमें कहा है ए स्टेयरिंग के चक्के के चैन से जुड़ा रहना स्टेयरिंग लीकेज कहलाता है, बी अगले पहिए और स्टेयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को स्टेयरिंग लीकेज कहते हैं, या सी पहिए की बॉडी से जुड़ा रहना स्टेयरिंग लीकेज कहलाता है, या डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा। अगले पहिए और स्टेयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को ही स्टेयरिंग लीकेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कहा है जब स्लिप कोण पीछे की तरफ कम होता है तो गाड़ी ए अंडर स्टीयर करती है, बी ओवर स्टीयर करती है, सी दोनों ही सत्य है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, तो ए आपका अंडर स्टीयर करती है। ठीक, 16 नंबर देखेंगे, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में किया जाता है। ए स्नेहक तेल, बी पानी, सी पेट्रोल, डी सरसों तेल। तो क्या होगा, ए स्नेहक तेल होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है आधुनिक गाड़ियों की किंग पिन झुकाव का मान होता है। ठीक, वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, 8 डिग्री से 10 डिग्री तक, 4 डिग्री से 8 डिग्री तक, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, आपका 4 से 8 डिग्री तक होगा। ठीक, आपका आंसर 4 से 8 डिग्री तक होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, जिसमें कहा है आधुनिक गाड़ियों में कैस्टर कोण होता है 4 डिग्री से 6 डिग्री तक, 2 डिग्री से 8 डिग्री, या 6 डिग्री से 18 डिग्री, या 10 डिग्री से 18 डिग्री। तो क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर इसमें 2 डिग्री से 18 डिग्री तक होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जिसमें कहा गया है धनात्मक कैस्टर के लिए अगले पहियों की आवश्यकता होती है, टो आउट, टो इन, टो कप, या टो हब। तो क्या होगा दोस्तों, धनात्मक कैस्टर के लिए पहिए तो टो इन होगा।
ठीक। 20 नंबर देखेंगे जिसमें कहा है मोटर गाड़ी का अगला भाग कौन सहन करता है। मोटर गाड़ी का अगला भाग कौन सहन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, गियर, पहिया, क्रैंकशाफ्ट या एक्सल बीम, तो आपका डी एक्सल बीम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस बियरिंग का प्रयोग फ्रंट एक्सल के लिए किया जाता है, ठीक। तो ए बाल बियरिंग, बी रोलर बियरिंग, सी थ्रस्ट बियरिंग या डी उपरोक्त सभी, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो सी थ्रस्ट बियरिंग होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें कहा गया है बड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग कितने चक्कर घूम सकते हैं, बड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग कितने चक्कर घूम सकते हैं, ठीक। तो ए 1 से 8, बी 4 से 5, सी 1 से 4, डी 8 से 10, तो क्या होगा दोस्तों, बी 4 से 5 होगा। नेक्स्ट देखेंगे टो इन को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ए डायल गेज, बी डेप्थ गेज, सी टेलीस्कोपिक टो इन गेज या डी फिलर गेज, तो इसमें खुद ही दिया है दोस्तों कि टेलीस्कोपिक टो इन गेज से मापते हैं, ठीक ना। 24 नंबर देखेंगे स्टब एक्सल को किस धातु से बनाया जाता है, ठीक ना, तो किस धातु से बनाया जाएगा दोस्तों, देखिए तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी, तो आपका स्टील से बनाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है टायर घिसने का मुख्य कारण है केस्टर, किंग पिन, टो आउट, कैम्बर, तो किससे टायर घिसेगा दोस्तों, सोचिए जरा, तो डी कैम्बर से टायर घिसता है। 26 नंबर देखेंगे निम्न में से कौन स्टीयरिंग बॉक्स है, पहला वार्म और सेक्टर, बी वार्म और नट, सी वार्म और रोलर या डी ए सभी, तो क्या होगा दोस्तों, ए सभी होगा, ठीक। 27 नंबर में कहा है बाल जॉइंट प्रयोग होता है टाई रोड में, कॉलम में, नकल में या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें बॉल जॉइंट टाई रॉड में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा है टाई रॉड में बॉल जॉइंट प्रयोग होता है, ए ध्वनि कम करने के लिए, बी घर्षण कम करने के लिए ताकि आसानी से घूम सके, सी स्पीड बढ़ाने के लिए या डी ये सभी, तो क्या होगा दोस्तों, आपका बी घर्षण कम करने के लिए ताकि आसानी से घूम सके। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम TCS संबंधित है, ए कंपन से, बी ऊर्जा से, सी टार्क से या डी ब्रेक से, तो किससे संबंधित है दोस्तों, सी टार्क से। स्टीयरिंग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टीयरिंग लीकेज में साधारणता किस प्रकार के रख रखाव की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार से आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ए टाई रोड एडजस्टमेंट, बी लुब्रिकेशन, सी बॉल जॉइंट बदलाव या डी ए सभी, तो किस में होगा दोस्तों, तो ए आपका टाई रोड एडजस्टमेंट में होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने 30 क्वेश्चन मैंने बताए इसे अच्छे से आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, धन्यवाद।